Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. So, welcome back to our English class. Up till now, we were doing grammar. Right, children? From काफी time से we were doing grammar. So, from today we will do reader. आज हम reader करेंगे, उसका lesson 5 करेंगे. That is Tale of Peter Rabbit. Now, it's a story about a rabbit whose name is Peter. सेम पीटर रैबिट नाम से काफी स्टोरीज एक्चुअली ये पूरी एक नॉवल है चिल्ड्रन उसमें से एक एक उन्होंने जस्ट एक पार्ट ले रखा है सो थर्ड में भी क्लास थर्ड में भी एक लेसन है पीटर रैबिट के ऊपर सो आई जस्ट वांटेड टू से कि ये लेसन चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डन हाफ ऑफ द लेसन बट आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट रिमेम्बर इट कुछ को तो याद नहीं होगा कि हमने ऐसा लेसन आधा किया था बट वी डिड इट एंड ड्यू टू एग्जाम्स वी लेफ्ट इट इन बिटवीन एंड आफ्टर एग्जाम्स आवर ग्रामर इज कंटिन्यूइंग यस चिल्ड्रन सो टुडे आई विल डोंट वरी चिल्ड्रन टुडे आई विल स्टार्ट दिस लेसन फ्रॉम स्टार्टिंग ओके आज हम इसको स्टार्टिंग से करेंगे सम माइट हैव सीन सम माइट हैव नॉट सीन एंड आई नो हाफ ऑफ द लेसन किसी को याद नहीं रहता राइट चिल्ड्रन सो डोंट वरी We will just start it from starting. Okay. Now see children, take out your books, open your books, page number 64. You have to read along with me children. ठीक है जिस word को underline करूं उसको underline करना है and write the Hindi of it जिसकी करवाऊ मैं Okay. It is for you children. Now see, all of you have taken page number 64. Now read along with me. Okay, children. Now see, let's read a story about a naughty rabbit named Peter. Naughty means shararti. See, children, now we will start. Today I am not feeling well, children. I am having cold and cough. Now let's start. See, four little rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. Now four rabbits were there, and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. Okay, names Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter lived with their mother in a sandbank. सैंडबैंक मीन्स बैंक मीन्स देखो बैंक चिल्ड्रन नेम सेम है बट मीनिंग्स डिफरेंट है स्पेलिंग भी सेम है एक बैंक आप जानते हो जहां हम वेयर वी डिपॉजिट मनी राइट चिल्ड्रन अनदर बैंक इज द साइड ऑफ अ रिवर रिवर नदी का किनारा समुद्र के किनारे को हम सी शोर बोलते हैं और नदी के किनारे को हम बैंक बोलते हैं सैंड बैंक मतलब अब नदी किनारे जो मिट्टी होती है उसमें इकट्ठा करके नीचे उसके जो होल बना रखा है जिन्होंने अपना घर बना रखा है गड्ढा बना रखा है नीचे उसे इन्होंने बोला है सैंड बैंक सैंड लिव्ड विद देयर मदर इन अ सैंड बैंक अंडरनीथ द रूट ऑफ अ बिग फर ट्री अंडरनीथ मतलब नीचे अंडरनीथ को आप अंडरलाइन कर सकते हो चिल्ड्रन यू कैन अंडरलाइन इट अंडरनीथ मतलब नीचे अंडरनीथ मीन्स नीचे ओके तो क्या था कि नदी के ना जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है वहां पर वहां एक पेड़ था फर का उसके नीचे इन्होंने अपना घर बना रखा था ये अपनी मम्मी के साथ रहते थे चार रैबिट इनके नेम थे फ्लॉपसी मॉपसी पीटर एंड कॉटनटेल नाउ सी अंडरनीथ द रूट ऑफ अ बिग फर ट्री उसकी जो जड़ है उसके नीचे नाउ सी मम्मी सेइंग रन अलोंग माय डियर्स रिमेम्बर डोंट गेट अप टू एनी मिसचीफ डोंट गो इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन मिसचीफ मीन्स शरारत अंडरलाइन कर लो चिल्ड्रन
underline it and write mischief. ओके okay. अभी कह रही है रंग अलोंग माय डियर्स, मेरे साथ भागो मेरे बच्चों, रिमेम्बर डोंट गेट अप टू एनी मिस्चीफ, याद रखना कोई शरारत मत करना. देयर मदर इज ऑलरेडी सेइंग, शी सेइंग डोंट गो इनटू मै मिस्टर मै ग्रेगर्स गार्डन. पास में एक पर्सन होगा, उसका नेम है मै ग्रेगर, नेम है तो नेम के आगे जनरली चिल्ड्रन हम मिस्टर लगाते हैं ना, तो जेंट्स के नेम होते हैं राइट. सो जो मैक ग्रेगर है उनका जो गार्डन है, उनकी मम्मी चारों की वो जो मम्मी है वो मना कर रही है कि उनके गार्डन में मत जाना. नाउ सी फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु ऑलवेज लिसन टू देयर मदर वेंट टू गैदर ब्लैकबेरीज. अब देखो ये तीन जो रेबिट्स थे, फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल, ये हमेशा अपनी मम्मी का कहना मानते थे. ठीक है, तो ये तो वहां उस गार्डन में नहीं गए, और वो ब्लैकबेरी थे, काले जामुन, ठीक है ना, तो वहां वो लोग वो खाने चले गए. पीटर दो रैन स्ट्रेट टू मैक मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन वेयर ही एट सम लेट्यूस एंड सम फ्रेंच बीन्स. Then feeling a little sick, he went to look for some parsley. अब नाउ सी चिल्ड्रन, अब ये तीन तो हमेशा अपनी मम्मी का कहना मानते थे, तो ये तीन तो वहां नहीं गए गार्डन में, लेकिन जो पीटर रैबिट था उससे नहीं सुनी, वो सीधा कहां गया, मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में ही गया जहां मम्मी ने मना किया था, वो वहां सीधा गया. फिर वहां जाके उसने क्या किया, सम लेट्यूस, लेट्यूस होता है चिल्ड्रन पालक, लेट्यूस मीन्स पालक, अंडरलाइन कर सकते हो चिल्ड्रन. लेट्यूस मीन्स पालक, तो उसने पहले कुछ पालक खाई और कुछ फ्रेंच बीन्स खाई, बीन्स आप सबको पता आती है ठीक है ना. उसके बाद देन ही फीलिंग अ लिटिल सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, ये भी एक टाइप का खाने का होता है चिल्ड्रन, पत्तेदार कुछ होता है ये भी, पार्सले भी जैसे धनिया पत्ती आती है ठीक है ना, मिंट लीव्स आती, पुदीना आते है, वैसे ही पार्सले आता है. ओके ना, उसने थोड़ी सी पत्तेदार सब्जी और कुछ बीन्स खाई, लेकिन जब उसको वो भी अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा बोर हो गया, उससे बीमार फील किया, तो वो थोड़ा सा पार्सले की खोज में निकल गया. बट क्या हुआ फिर, जस्ट अराउंड द एंड ऑफ अ कुकुम्बर फ्रेम ही सॉ मिस्टर मैकग्रेगर हु एंग्रीली जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हिम. स्टॉप थीफ. अब देखो अभी खा रहा था आराम से, फिर क्या हुआ, जैसे ही खा रहा था जस्ट अराउंड द एंड ऑफ अ कुकुम्बर फ्रेम, वो गार्डन का कोई एक फ्रेम, वो चौड़ी हम झाड़ियां कुछ वो बाउंड्री तो बनाते हैं चिल्ड्रन, वहां पर उसने देखा जो है मिस्टर मैकग्रेगर, उन्हें उसके उसको देख लिया है, और फिर वो गुस्से में एंग्रीली लिखे ना, वो एंग्रीली जम्प्ड अप एंड देन आफ्टर उन्होंने उसको देख लिया खाते हुए, तो वो गुस्से में जो है वहां से कूदे और उसके पीछे भागे और उसको बोले रुक जाओ चोर. पीटर वॉज इनक्रेडिबली फ्राइटेंड, नाउ फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, यू कैन अंडरलाइन. इनक्रेडिबल मतलब चलन गजब, गजब का या बहुत ज्यादा. अच्छा फ्राइटेड, हम यहां पे करेंगे फ्राइटेड मीन्स डर जाना.
अब वो जो था पीटर बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। वैसे इंक्रेडिबल का मीनिंग चिल्ड्रन दो निकलते तो मैंने दोनों करा दी। यहाँ जो उसका सेंस इनक्रेडिबल मीनिंग इज देयर, इट्स मीनिंग इज बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा डर गया था। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड अराउंड द गार्डन ट्राइंग टू फाइंड द वे बैक टू द गेट। और डर के मारे वो बेचारा भागा, जितनी जोर से भाग सकता था वो भागा अराउंड द गार्डन। अब गार्डन के हर तरफ भाग रहा है जोर जोर से, क्या ढूंढ के, क्या गार्डन के गेट की खोज में, किस गेट का है जहां से मैं यहां से भाग जाऊं। और वो ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में जितना तेज दौड़ सकता है वो दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, वो ग्राउंड में गेट खोज रहा है कि वे इज द गेट सो ही कुड रन फ्रॉम दैट, वो वहां से भाग सके, वहां से बाहर निकल सके। नाउ पीटर रैन इनटू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज न्यू रेड जैकेट। अब क्या हुआ, गूसबेरी नेट मतलब गूसबेरी चिल्ड्रन एक टाइप का फ्रूट होता है, वो उसकी बेल लगती है, जैसे अंगूर में हम स्टैंड्स पर अंगूर की बेल होती है, कोई पेड़ नहीं होता राइट, उनको कुछ सहारे के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वैसे गूसबेरी नेट होता है जिसपे वो गूसबेरी फ्रूट लगाते थे। अब हुआ क्या, ये भाग रहा था इधर उधर बिल्कुल बिना देखे, बहुत जोर जितना भाग तेज भाग सकता था, भाग रहा था गेट की खोज में। तो ये इसकी जो, इसने नई रेड जैकेट पहनी थी, तो इसकी नई रेड जैकेट के जो बड़े बड़े बटन थे वो किसमें फंस गए, उस गूसबेरी नेट में, वो जाल में वो फंस गए। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ रेक। अब वो किसके साथ आए, रेक, रेक मींस चिल्ड्रन, फावड़ा होते है किस्म का जिसके आगे दांत ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, जो आपने देखा होगा जिस सूखी पत्तियां हो जाती है ना गार्डन में, उनको कूड़ा इकट्ठा करने के लिए उसको यूज होता है, ठीक है, वो लेके आए। बट पीटर रिगल्ड आउट ऑफ हिज जैकेट जस्ट इन टाइम एंड टुक ऑफ अक्रॉस द गार्डन अगेन। लेकिन उसने भी चिल्ड्रन चलाकी दिखाई, उसने क्या किया, फटाफटा वो जैकेट के बटन तो उसमें फंस गए, तो जैकेट के कारण वो उस नेट में फंस गया, तो उसने क्या किया, फटाफट से अपनी जैकेट, उसने दिमाग लगाया, फटाफट से अपनी जैकेट निकाली, मतलब वो जैकेट में से निकल गया। अब जैकेट तो वो फंसी रह गई वहां पे नेट में, और वो फटाफट उसने अपने आप को जैकेट में से निकाल लिया। जैसे ही वो आए एकदम टाइम पर उसने अपने आप को निकाला और फिर वापस गार्डन में भागने लग गया गेट की खोज में। पीटर रैबिट रश्ड इनटू अ टूल शेड एंड जम्प इनटू अ कैन दैट वाज अनफॉर्चुनेटली फुल ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, अब वो तो चिल्ड्रन भाग रहा था बहुत जोर से, कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, जितनी जोर से भाग सकता था वो भाग रहा था। अब क्या हुआ, वो एक टूल शेड, मतलब कि थोड़ा सा गार्डन में एक शेड बना रखा होगा, वहां पर एक कैन रखा था इतना बड़ा, उसमें वो चला गया, उसमें उसने कूदा ताकि मैं इसके अंदर जाके छुप जाऊंगा। बट वो किस चीज का भरा हुआ था, पानी का। अब देखो उसने कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, जैकेट पहन रखी थी वो उसने खोल दी थी, और वो उस पानी के कैन में उसने डुबकी लगा ली, क्योंकि वो तो कूद गया, उसको पता नहीं था पानी का भरा हुआ है। मैक मिस्टर ग्रेग ग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर डेट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड परहैप्स हिडन अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट। ही केयरफुली टर्न देम ओवर लुकिंग अंडर ईच वन देन पीटर स्नीज्ड। अब क्या हुआ चिल्ड्रन देखो, मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर डेट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। अब देखो, अब मिस्टर मैकग्रेगर ने उसको वहां शेड के नीचे तो आते देख लिया था, तो अब उनको इतना तो पक्का रहा, ही वो श्योर कि पीटर रैबिट जो है यहाँ है तो इस शेड के नीचे कहीं ना कहीं, शेड के नीचे है जो इस शेड के नीचे जितना भी सामान रखा हुआ है वो या तो किसी के नीचे छुप गया या यही कहीं है, इतना तो उनको पक्का श्योर था। तो वो क्या किया, परहैप्स हिडन अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट, उनको लग रहा था कि वो शायद एक फ्लावर पॉट यानी कि गमले के नीचे छुपा हुआ है पक्का। उन्होंने क्या किया, ही केयरफुली टर्न देम ओवर
looking under each one. Then Peter sneezed. Now what happened, children? See. Okay, children, now see. I will tell you the meaning of sneeze. Sneeze means chhinkna. छींकना. क्या हुआ अब मिस्टर मैकग्रेगर को तो श्योर था कि वो है तो स्टूल शेड के नीचे और पक्का किसी ना किसी गमले के नीचे वो छुपा हुआ है. तो वो क्या करते, हर एक गमले को उठा उठा के ध्यान से देख रहे थे. इतने में क्या हुआ, देन पीटर स्नीज, और इतने में क्योंकि वो ड्रम के अंदर घुस गया था उसके अंदर और उसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसको पता नहीं था, और उसने अपना कोट भी वहां छोड़ दिया था. तो वो उसको आ गई छींक. क्या आ गई छींक, ही स्नीज, मतलब वो छींका. कट इज कूल, ऐसा वो बोला, जैसे छींक में अपने लोग बोलते श्री राम जय राम जय जय राम, कोई कुछ भी बोलता है यार छी. तो उसके मुंह से निकला कट इज कूल. फिर क्या हुआ, मिस्टर मैकग्रेगर वाज सून आफ्टर हिम एंड ट्राइड टू कैच पीटर हु जंप आउट ऑफ अ विंडो. नाउ सी चिल्ड्रन, इतने में अब वो फिर मिस्टर मैकग्रेगर को पता चल गया कि अरे तो ये रहा, राइट. वो फिर उसके पीछे हो गए और फिर उसने फिर क्या किया, वो उसमें से निकला और उसको एक खिड़की दिखी, वो उस खिड़की में से कूद कर भागा. पीटर हु जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो, और उन्होंने मिस्टर मैकग्रेगर ने कोशिश करी पीटर रैबिट को पकड़ने की और वो जो है इतने में से उसमें से भागा, खिड़की में से कूद कर भागा. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. अब देखो चिल्ड्रन, रैबिट तो छोटे से होते हैं और वो तो वैसे ही बच्चा था, तो वो तो जो है उसमें से कूद कर भाग गया, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर से उस खिड़की में से कूदा नहीं गया, वो उस खिड़की के पार नहीं जा सके, उस खिड़की में से नहीं निकल सके, और वो उसके पीछे भाग भाग के थक भी गए थे क्योंकि पूरे तो उसने ग्राउंड में भगाया था. फिर वो टीन शेड के नीचे आ गया था, उसके नीचे शेड के नीचे, फिर उस शेड के नीचे भी उन्होंने उसको एक एक करके देखा, फिर वो भागा, फिर उसके पीछे भागे, तो वो बिल्कुल थक चुके थे. तो अब उनकी और हिम्मत तो थी नहीं, ना तो उसके पीछे भागने की थी और ना वो उस खिड़की में से कूद पाए. पीटर रैबिट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लुकिंग फॉर द गेट. लेकिन उसको पीटर रैबिट जिस चीज की तलाश में था वो उसको नहीं मिली, और वो किस चीज की तलाश में था, वो था उस गार्डन की गेट की तलाश में. वो पहले तो खूब भागा, नेट में भी फंस गया, फिर वो उस शेड के नीचे भी आ गया, फिर वहां से विंडो में से भी भागा अपनी जान बचा के, फिर वो उस पूरे ग्राउंड में भागा, और अब भी वो इधर से उधर जा रहा था, देख रहा था, घूम रहा था गेट की तलाश में कि कहीं से उसको उस गार्डन का जो है गेट मिल जाए ताकि वो वहां से बाहर निकल आए. अनफॉर्चुनेटली ही हैड लॉस्ट हिज वे एंड कुड नॉट गेट आउट ऑफ द गार्डन. अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से. यू कैन अंडरलाइन इट चिल्ड्रन. अब अनफॉर्चुनेटली हो गया चिल्ड्रन, बस की बदकिस्मती से उसको वो रास्ता भूल गया, उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिला उस गार्डन में से निकलने का, वो जो था रास्ता भूल गया था और वो उस गार्डन में कैद होके रह गया. वो ढूंढता रहा लेकिन उसको गेट नहीं मिला और वो बेचारा बदकिस्मती से वहीं रह गया और वो ढूंढ रहा था नौसी, और वो उस गार्डन में से बाहर नहीं निकल सका क्योंकि वो रास्ता भूल गया. He asked a rat for directions. अब उसने एक चूहे से जो है रास्ता पूछा कि भाई मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताओ. Ma'am, could you tell me the way to the main road? अब उसने बताया
कि उसने पूछा मैम क्या आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने का या मेन रोड तक जाने का रास्ता बता सकते हो। तो उसने कहा नो आई कांट, नहीं मैं नहीं बता सकती। ही इवन आस्क्ड अ कैट, अब देखो रैबिट है लेकिन उसने कैट से भी पूछा, कैट जो है रैबिट को खा सकती है, मार डालती है, लेकिन अब बेचारा डर के मारे उसको कुछ तो सूझ नहीं रहा था। उसने कैट से पूछा कि भाई यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तो कैट ने कहा डोंट डिस्टर्ब मी आई एम बिजी। कैट ने आंसर दिया कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं तो बहुत बिजी हूं। सडनली ही सॉ मिस्टर मैकगर होइंग हिज अनियन पैच एंड जस्ट बियॉन्ड हिम वॉज द गेट। पीटर स्प्रिंटेड अक्रॉस द अनियन पैच एंड स्लिप्ड अंडर द गेट। अब देखो क्या हुआ, अचानक उसकी किस्मत आ गई, सडनली मीन्स अचानक। सडनली मीन्स अचानक। मिस्टर मैकगर होइंग मतलब चिल्ड्रन, ये एक टूल होता है हो, जो हम खोदने में, मिट्टी को पलटने में, वहां से मिट्टी हमें उठा के पलटनी हो कहीं, तो ये एक टूल होता है, औजार होता है होए। तो वो उससे काम कर रहे थे इसलिए होइंग लिखा है इन्होंने, कि वो हो से काम कर रहे इसलिए होइंग लिख दिया। तो ही वॉज होइंग इज अनियन पैच, मतलब जहां उन्होंने वो प्याज उगा रखे थे तो वहां से वो मिट्टी वहां से निकाल रहे थे, उसको ऐसे करके पलट के डाल रहे थे दूसरी जगह। तो उसकी नजर मिस्टर मैकग्रेगर पे पड़ी और फिर वो ये काम कर रहे थे, तो उसने देखा ठीक उनके पीछे जो है उस गार्डन का गेट है। ओके एंड जस्ट बियॉन्ड हिम वॉज द गेट, बियॉन्ड मतलब ठीक उसके पीछे। पीटर स्प्रिंटेड अक्रॉस द अनियन पैच एंड स्लिप्ड अंडर द गेट। स्प्रिंटेड मतलब ऐसे धीरे धीरे चुपके से निकलो, जो जो प्याज का उन्होंने पूरा वो बगीचा था जहां बो रखे थे तो उस पर से जो है निकला और उस गेट के नीचे से धीरे से निकल के निकल गया। वो तो रैबिट था, उसको पता था कि वो वहां पे काम कर रहे हैं, कूदेगा भागेगा तो उनको पता चल जाएगा, तो वो धीरे धीरे जो है वहां से खिसकता अपने आप को धीरे धीरे चलता हुआ उस अनियन पैच में से गेट तक आया और गेट के नीचे से निकल गया। थैंक गॉड आई फाउंड द गेट, लेट मी रन होम टू मदर। अब वो अब कह रहे हे भगवान थैंक यू मुझे गेट मिल गया, अब मैं सीधा अपनी मम्मी के पास भागूंगा। पीटर फ्लॉप डाउन ऑन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द रैबिट होल एंड शट हिज आईज। नौसी चिल्ड्रन, अब क्या किया पीटर रैबिट ने, अब क्योंकि वो घर पहुंच गया। पीटर फ्लॉप डाउन ऑन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द रैबिट होल एंड शट हिज आईज। अब वो जैसे अपने घर के अंदर गया, वहां पे वो मिट्टी तो बिछी हुई थी और वो इतनी सॉफ्ट थी, उसको इतना अच्छा लगा। एक तो चिल्ड्रन हम डर के मारे भाग कर आ रहे हैं पहले से, ठीक है ना, और फिर वो अपने भागता भागता अपनी जान बचा के अपने घर अपनी मम्मी के पास पहुंचा। तो एक तो उसको तसल्ली हुई, हम अपने दिल की धड़कने थामते है ना, एक तो उसको तसल्ली हुई कि वो अब तो चलो वो घर आ गया शांति, और हमें घर अपना ऑब्वियसली सब जगह से अच्छा लगता है। वहां तो उसको थोड़ी सी देर के लिए गया था वो तो, और वहां वो फंस गया था, उसके साथ कितना वो अपनी जान बचा के भागा है। तो उसको अपनी मिट्टी, घर की मिट्टी जो फर्श था उसको इतना अच्छा लग रहा था, वो वहां पे लेट गया अपनी आंखें बंद करके। देखो सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द रैबिट होल एंड शट हिज आईज, वो वहां पे लेट गया अपनी आंखें बंद करके। व्हाई पीटर व्हाट्स द मैटर, और उसकी मम्मी ने पूछा बेटे क्या हो गया आज। अब वो तो एकदम आया और अपने फ्लोर पे आंख मीच कैसे लेट गया। तो उसकी मम्मी ने पूछा बेटे क्या हो गया आज। आई गॉट लॉस्ट इन मैकग्रेगर्स गार्डन, तो उसने कहा मैं तो मम्मी मैकग्रेगर के गार्डन में जो है खो गया था, गुम हो गया था। आई एम सॉरी मदर, आई शुड हैव लिसन टू योर वार्निंग। अब वो सॉरी मांग रहा है कि मम्मी सॉरी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। अब उसको फील हो रहा है आई एम सॉरी टू से डेट पीटर वॉज नॉट वेरी वेल डेट नाइट, हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड मेड हिम सम टी, फ्लॉपसी मॉपसी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। सपर मीन्स खाना।
एक टाइप का खाना जो होता है ना, नौसी चरण। अब देखो क्या होगा, अब पीटर रैबिट जो है था, उसको जान बचा के भागा भी, उसको जुखाम, वो पानी में कूद गया था तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, छींक रहा था वो, और फिर इतना घूमा भागा दौड़ा है ना, तो वो उसकी मम्मी समझ गई थी कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उस दिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो रात को अपने बेड पर जाके सो गया। उसको मैंने सुला दिया और उसको गरम गरम चाय दी, और उसकी मम्मी ने उसको सुला दिया और गरम चाय दी, जबकि उसके, अब देखो उसने तो खाली गरम चाय पी, और जो उसके ब्रदर सिस्टर थे फ्लॉपसी मॉपसी एंड कॉटन टेल, उनको बहुत अच्छा खाने को मिला, उनको उन्होंने क्या क्या खाया, उनको ब्रेड खाई उन्होंने, उनको मिल्क मिला और उनको ब्लैक बेरीज मिली रात के खाने के लिए। ओके चिरन, तो आपने स्टोरी से क्या पढ़ा, क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमने लर्न किया कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना माना चाहिए, स्पेशली मम्मी का। अब मम्मी ने स्पेशली मना किया था कि उसमें नहीं जाना, वो तीन तो बात मानते थे, वो तीन तो गए नहीं, लेकिन पीटर रैबिट वहां पर गया, वो नहीं मानता था, और फिर वहां जाके अपनी जान उसने किसी तरह वो जान बचा के वहां से भाग के निकल गया, कितनी बुरी तरह फंस गया, बीमार भी पड़ गया है ना, और वो तो किस्मत ने उसने साथ दिया कि वो घर पहुंच गया सही सलामत, अदरवाइज वो फंस जाता तो वो मार देता उसको। जबकि वो तीनों ने अपने मम्मी का कहना माना तो आराम से उन्होंने एंजॉय किया और आराम से घर भी पहुंचे और रात का आराम से मजेदार खाना भी खाया। तो चिरन हमें हमेशा अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। मम्मी तो चिरन सब कुछ आपके भले के लिए कहती है, सो यू शुड ऑलवेज ओबे योर मदर। ओके, ऑलवेज ओबे योर मदर, अपनी मम्मी के साथ डू हेल्प योर मदर, अपनी मम्मी की हेल्प भी जरूर कराओ और अपनी मम्मी का कहना भी जरूर मानो। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स फॉर टुडे, बाय एवरीवन, थैंक यू।